नमस्कार दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश हो रही है, इसके साथ ही साथ एक्सप्रेसवेज की भी बौछार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 और नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो प्रदेश में पहले से 6 एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है, 7 अन्य पर काम तेजी से चल रहा है, अब 6 और प्रस्तावित हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर प्रदेश में 19 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे और यह देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, हो सकता है कि आपका शहर भी इस एक्सप्रेसवे में शामिल हो, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिल्कुल मैं वीडियो काफ़ी छोटा रखने वाला हूँ और जल्दी जल्दी आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट की बैठक में निर्देश दिए थे कि औद्योगिक विकास के मद्देनज़र दूर दराज के इलाकों को भी जोड़ने के लिए कुछ और एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जाना जरूरी है। इसी क्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने बताया कि प्रदेश में 6 और नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनमें से प्रयागराज से वाराणसी तक, मेरठ से हरिद्वार, फिर गंगा एक्सप्रेसवे से शाहजहाँपुर बरेली होते हुए रामपुर, रुद्रपुर से उत्तराखंड की सीमा तक, चित्रकूट से प्रयागराज तक, और झांसी लिंक NH-27 से बुंदेलखंड तक, और विंध्य एक्सप्रेसवे जो कि चित्रकूट से मिर्ज़ापुर तक बनेगा, इसका निर्माण कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुल 6 एक्सप्रेसवे हैं जिनका निर्माण कराया जाना है, और इसमें उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी को तीव्र गति से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। तो आपको बताते चलें कि गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ निकटवर्ती ज़िलों को भी मिलेगा, और एक्सप्रेसवे पर यातायात में बढ़ोतरी के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से शाहजहाँपुर बरेली होते हुए रामपुर, रुद्रपुर उत्तराखंड सीमा में एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का प्रस्ताव है। चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मध्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा चुका है, और यदि चित्रकूट धाम को प्रयागराज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाता है तो पश्चिमी से पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड आने वाले को काफ़ी सुविधा होगी। तो इसी क्रम में यह एक्सप्रेसवे एक और प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मिर्ज़ापुर जिला कालीन और पित्तल के बर्तन के लिए जाना जाता है, और विंध्याचल, अष्टभुजा और काली खोह के पवित्र मंदिर और देव रहा बाबा के आश्रम के लिए भी प्रसिद्ध है अपना मिर्ज़ापुर। कई झरने प्राकृतिक स्थलों से भरे होने के बाद भी मिर्ज़ापुर का जिला अत्यंत पिछड़े जिलों में शामिल है, तो इसके विकास में तीव्र गति देने के लिए यहाँ से एक एक्सप्रेसवे गुजारने का प्रस्ताव दिया गया है, और यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से मिर्ज़ापुर जिले को जोड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि मिर्ज़ापुर जिले में पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क भी बनने जा रहा है, और इसका शिलान्यास भी कर दिया गया है, जो चुनार रेलवे स्टेशन के पास बनने जा रहा है। तो दोस्तों, एक बार संक्षेप में आपको इन 6 नए एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बता दें। तो पहला एक्सप्रेसवे है जो प्रयागराज से वाराणसी तक बनेगा, जो 110 किलोमीटर का होगा, और यह गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंडेड पार्ट होगा। और दूसरा एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक बनेगा, वो भी 110 किलोमीटर का होगा, और यह भी गंगा एक्सप्रेसवे फेज 2 का पार्ट होगा। तीसरा एक्सप्रेसवे जो गंगा एक्सप्रेसवे से शाहजहाँपुर बरेली होते हुए रामपुर, रुद्रपुर उत्तराखंड सीमा तक जाएगा, तो बरेली वालों के लिए भी खुशखबरी है कि उन्हें भी एक एक्सप्रेसवे मिल गया। और चौथा एक्सप्रेसवे चित्रकूट से प्रयागराज एक्सप्रेसवे तक बनेगा, और पांचवा एक्सप्रेसवे झांसी लिंक NH-27 से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक बनेगा, और छठा एक्सप्रेसवे जो विंध्य एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जा रहा है चित्रकूट से मिर्ज़ापुर जिले तक बनेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इन 6 नए एक्सप्रेसवे के बन जाने से मध्य प्रदेश विकास की काफ़ी तेज गति हो जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स की DPR कब बननी स्टार्ट होती है। तो जैसे ही इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।